तो फाइनली पोको F1 यूजर्स के लिए आज का जो ग्लोबल बीटा अपडेट है 9.1.24 वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। हम ऑलरेडी अपने फ़ोन को अपडेट कर चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा पोको F1 के इस अपडेट में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स है और क्या क्या उनकी तरफ से चेंज लॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास पोको F1 फोन है। मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूं अबाउट फोन में। ये देखिए हमने अपने फोन को अपडेट कर लिया है। मॉडल नंबर, डिवाइस नेम पोको फोन, मॉडल नंबर पोको F1, एंड्रॉइड वर्जन आपको एंड्रॉइड 9 का मिलता है इसके अंदर। साथ ही साथ सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 1 जनवरी 2019 का मिल जाता है, जो कि गूगल की तरफ से लेटेस्ट है इस टाइम पे। और MIUI वर्जन जो आपको मिलता है वो है MI10 ग्लोबल 9.1.24 बेटा। ये ग्लोबल बेटा वर्जन है, स्टेबल वर्जन नहीं है। इसका OTA अपडेट जो है आप लोगों को मिलना शुरू हो गया है। आप सिस्टम अपडेट में जाके इसके OTA अपडेट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको OTA अपडेट नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस OTA अपडेट को डाउनलोड करके अपने चूज अपडेट पैकेज के ऑप्शन में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इस मेनू के ऊपर हैं हम, तो व्हाट्स न्यू में देख लेते हैं कि पोको F1 ने क्या चेंज लॉक्स आपको दिए हैं। तो ये देखिए जो चेंज लॉक्स में सिर्फ दो चीज़ें मैंशन की हैं इन्होंने, वो भी क्लॉक के ऊपर, कि फिक्स टाइमर बटन स्टार्टेड फ्लैशिंग आफ्टर बींग टैप्ड, एक ये इनको फिक्स किया गया है। दूसरा, क्लॉक फोर्स क्लोज्ड ऑन सम स्पेसिफिक डेट्स, यानी कुछ डेट्स के टाइम कुछ क्लॉक्स में इश्यूज थे उसको इसमें फिक्स किया गया है। बट जो मेजर इशू इसके अंदर सुनने में आ रहा है कि जो फिक्स किया गया है वो है मल्टी टच इशू। कहा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। टच की जो प्रॉब्लम है काफ़ी पहले से बेटर हुई है, जो लास्ट का अपडेट था उससे काफ़ी बेटर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको इस अपडेट को एक बार इंस्टॉल करना चाहिए, 9.1.2.1 बीटा को। उन्होंने अपने ट्विटर पर भी मेंशन किया है और काफ़ी सारे जो उनके जो ग्रुप्स वगैरह हैं पोको फोन्स के, उस पर भी उन्होंने काफ़ी सारे जो वोटिंग पोल स्टार्ट किए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिला है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आप वहाँ पर वोट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनके अपडेट के बारे में। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं क्या नहीं। तो फीचर्स ज़्यादा मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो मेन इशू जो लोगों को आ रहा है वो आ रहा है आपको मल्टी टच इशू का, जो कि इसके अंदर माना जा रहा है कि फिक्स किया गया है। डिस्प्ले के अंदर आपको वही ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रेज टू वेक का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, जो कि अब काफ़ी सारे MIUI के फोन्स में आना शुरू हो गया है। यही फीचर अब Redmi Note 5 Pro यूजर्स और Redmi Note 6 Pro यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है इस फीचर के थ्रू। आप अपना फोन जब भी कभी भी ऑफ होगा, कहीं आपने टेबल पे या डेस्क पे रखा होगा, जैसे आप फोन को उठाएंगे वो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगी अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आपको आ रखे होंगे तो। फिंगरप्रिंट और फेस डाटा मुझे पहले से थोड़ा सा इंप्रूव लगा है। फेस डाटा पहले से थोड़ा फास्ट हुआ है, लास्ट के अपडेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इतना थोड़ा सा लैग देखने को मिला था, तो वो चीज़ें इसके अंदर फिक्स की गई हैं। कैमरा एज इट इज़ वैसे ही है, आपको AI मोड मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर गूगल लेंस का मोड भी मिल जाता है, जो कि इस बार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी भी चीज़ को फोकस करने में या किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम करने में। ये देखिए हमने जो सर्च किया था वो एज इट इज़ आ गया है, थोड़े बहुत उससे रिलेटेड आपको सारा गूगल लेंस ने यहाँ पर श्योर कर दिया है क्या क्या आपके स्क्रीन पे देखने को मिला है। वीडियो के अंदर आपको 4K की रिकॉर्डिंग मिल जाती है 960 FPS की, आपको अभी भी इसके अंदर स्लो मोशन की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, इतनी बहुत होती है एक नॉर्मल यूजर के लिए। ये आपको जो लाइट का फ्लिकरिंग का पीछे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये लाइट का, जितनी अच्छी लाइट कंडीशन होंगी उतना अच्छा आपके जो स्लो मोशन वीडियो है वो ठीक तरीके से काम करेगा। तो वीडियोज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो वगैरह ठीक तरीके से काम कर रहा है। ऐप वॉल्ट के अंदर आप कुछ नए फीचर्स देख सकते हैं, पहले काफ़ी सारे इसके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलती थी, अब इसमें थोड़ी चीज़ों को कम किया गया है। कस्टमाइज में जाके आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे शॉर्टकट्स वगैरह, बीफ नॉट यूटिलिटीज वगैरह, इन सबको ऐड डिसेबल वगैरह जो आप करना चाहें वो इजिली यहाँ से कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी अब देखने को मिल जाती हैं, जिसको आप इसमें यूज़ करके अपने फोन में काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो रिसेंट बार में आपको ये ऊपर आजकल कुछ एक ऐप्स देखने को मिल रहे हैं, 4 ऐप्स, क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड ऐप्स, मैनेज ऐप, इनको हाइड करने का ऑप्शन अभी भी देखने को नहीं मिला है। बाकी सभी फ़ोनों में, जैसे मैं Redmi Note 5 Pro या Redmi Note 6 Pro यूज़ करता हूँ, उसके अंदर इनको हाइड करने का ऑप्शन है, बट सेटिंग्स में इनको हाइड करने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आपको सारा ऑप्शन वही मिलता है, कस्टमाइज लेआउट वगैरह, ऐप सजेशन वगैरह, बट उनको हाइड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं कि किस तरीके से अजीब से ये ऊपर देखने को मिलते हैं। हाँ, एप्लीकेशन ठीक है, शॉर्टकट ठीक है काम करने के, बट कई बार अच्छे नहीं लगते हैं आपको ये,
तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर देखने को अभी तक मिल पा रही हैं आपको। कैमरा पहले से बेटर है आपको, उसके अंदर लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट्स के अंदर सारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। जो मेन इशू जो फिक्स किया गया है वो है कि जो मल्टी टच का इशू है वो फिक्स किया गया है। एड्स वगैरह आपको अभी तक बाकी फ़ोन्स की तरह इसके अंदर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, इतने ज़्यादा एड्स नहीं है आपको जैसे कि आपको बाकी फ़ोन्स पर देखने को मिलते हैं। रेडमी नोट 5 प्रो में इस टाइम में भरमार है एड्स की, बट अभी पोको F1 के यूजर्स को इतने एड्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये बीटा वर्जन है, स्टेबल में भी आपको इतने ज़्यादा एड्स देखने को नहीं मिलते हैं। मोस्टली हर चीज़ काम करने के लिए MI पे अकाउंट आना शुरू हो गया है इसके अंदर आपको, और एडिशनल सेटिंग्स में भी कुछ नए चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए हैं पोको F1 के यूजर्स के लिए। बटन एंड जेस्चर्स में आपको अब गूगल असिस्टेंट का शॉर्टकट का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इनेबल करके पावर बटन से अब गूगल असिस्टेंट को लॉन्च कर सकते हैं। बार बार आपको ओके गूगल या फोन के बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप पावर बटन से भी गूगल असिस्टेंट को लॉन्च कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में भी थोड़े मोटे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, UI के चेंजेस इसके अंदर थोड़े बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो आपको शो करूँ कि नहीं इसमें ये बग है, अभी तक मुझे कोई ऐसा बग देखने को नहीं मिला है। हाँ, जो क्लॉक के इशूज़ थे और वेदर के, जो काफ़ी लोगों को इशूज़ आ रहे थे कि वेदर एप्लीकेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं GPS के थ्रू, तो उन चीज़ों को इसके अपडेट के अंदर फेस किया गया है। अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि मेरे को भी लिंक से ही मैंने अपडेट किया है। मोस्टली वैसे मुझे OTA अपडेट नहीं आ पाया था तो मैंने इसको लिंक से ही अपडेट किया है। ये देखिए, ये वो फाइल है MIUI पोको F1 ग्लोबल 9.12.4 बेटा। इसको आप सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में सिस्टम अपडेट पे जाके मेन्यू को टच करके चूज़ अपडेट पैकेज करेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे और थोड़ी देर में ये अपडेट जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैनुअली भी आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ऑफिशियल मेथड है, कोई इसमें आपको कस्टम रिकवरी या बूटलोडर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये छोटी सी चीज़ आपका शेयर करना था कि अपडेट जो है आना स्टार्ट हो गया, आप लोगों को ये अपडेट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी टच का इशू अपने फोन में देखने को मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।